यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री कुंवर जतिन प्रसाद ने आज शाहजहांपुर में अपने आवास प्रसाद भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 6 वर्षों में योगी सरकार ने यूपी का कायाकल्प किया है। आज पूरे विश्व के लोग भारत में निवेश करने आ रहे हैं, यह कोई आम बात नहीं है। करीब 33 लाख करोड़ के MOU साइन हो रहे हैं। पहले लोग सिर्फ नोएडा में निवेश करना पसंद करते थे, लेकिन अब इंदौर यूपी के हर जिले में निवेश करने को लालायित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मायावती को बनाना है, मैं क्या बताऊं साहब, पूछिए जरा वो मैं उनका प्रॉब्लम है। किसी भी राज्य की तरक्की के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रोड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यूपी का भविष्य कैसा होने वाला है? देखिए, यूपी का भविष्य आपने देखा है, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, बल्कि इन छह वर्षों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है। और तीन पहलू होते हैं, एक होता है आर्थिक, दूसरा होता है राजनीतिक, और तीसरा होता है सामाजिक। इन तीन जो स्तंभ हैं, इसमें समांतर तौर से परिवर्तन आया है। आर्थिक में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 30 लाख करोड़ के निवेश की MOU साइन हो रहे हैं। देश विदेश से लोग, निवेशक इच्छुक हैं कि यहाँ पे आके अपना निवेश करें, यहाँ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाए, ये हब बन गया है। ये ऐसे नहीं होता है, इसके लिए बहुत पीछे पृष्ठभूमि और मेहनत चाहिए होती है। जो योगी सरकार ने प्रदेश में और केंद्र में प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक लाभ परिवर्तन, रोड्स, रेल, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, एक तरफ ये हो रहा है। इकोनॉमी में जो निवेश आ रहा है, पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश में नोएडा में आता था, अब प्रत्येक जनपद में आ रहा है। बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, वहाँ पे भी निवेशक इच्छुक हैं। हम तो गए थे, विदेश भी गए थे और देश में भी विभिन्न राज्यों में गए थे, सब यहाँ पे आंखें गड़ाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के प्रति। और खास बात एक और है कि सेक्टर्स, पहले उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें दिखती थी बस, अब सेक्टर्स में रिन्यूअल एनर्जी, डिफेंस, टेक्सटाइल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, तमाम सेक्टर्स में निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पे आ रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में मंत्री जी, अगर ऐसा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये बंगाल की जनता इसका जवाब देती है। धन्यवाद। अब चलो हाँ, पिछले कुछ समय से देखा गया है कि बदजुबानी या करप्शन को लेकर के नेताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है, तो क्या मानते हैं नेताओं को अपने आचरण में किस तरीके का सुधार लाना चाहिए कि जो उनकी बदजुबानी है, इसके चलते जो राजनीति है उस पर किस तरीके सवाल ना उठ सके भ्रष्टाचार को लेकर? बिल्कुल, ये जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है, और उस नीति को अपनाते हुए किसी तरीके की भी कोई भी गड़बड़ी होगी, अनियमितताएं होंगी, तो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उस पर कार्रवाई हो। ये योगी सरकार में भी हो रहा है, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया अभी उनके वक्तव्य में कि ये लड़ाई जारी रहेगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और जो भ्रम में हैं और जो लक्ष्मण रेखा लांघेंगे उन पे भी कार्रवाई। मंत्री जी, आरक्षण लागू हो गया है, नगर निकाय निगम का जो चुनाव है वो होने वाला है, क्या मेयर पे किस प्रकार से आप आंख लगाए अपनी बैठे हुए हैं, क्योंकि कई वर्षों से सूखा रहा है, भाजपा सरकार क्या कामयाब होगी इन चुनावों में? बिल्कुल होगी, खासकर शाहजहांपुर में। ऐसा है, मैंने पहले ही बताया, आप देखिएगा, ऐतिहासिक विजय होगी, और पार्टी पूरे समय कार्य करती रहती है, संगठन जनता से जुड़ाव लगाव रखता है, और हम सरकार में जो लोग भी हैं, हम लोगों का एक ही कर्तव्य है कि जनता के लिए योजनाएं और लाभ लेके आए। और शाहजहांपुर, जहां तक आपका सवाल है, यहां प्रयास किया गया है कि विकास के जिस तरीके से जनता ने 6 की 6 सीटें विधानसभा की शाहजहांपुर की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी और वोटों की बौछार की थी, उसी तरीके से विकास की योजनाओं की भी बौछार शाहजहांपुर जिले में और जनता के लिए हो रही है, और उत्तर प्रदेश भर में हो रही है, और आप देखिएगा इस बार इतिहास रचा जाएगा, और यहां की मेयर की सीट पर रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। धन्यवाद। राजभर ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मायावती को बनाना है, मैं क्या बताऊं साहब, उनसे पूछिए जरा वो किसी भी राज्य की तरक्की के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रोड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यूपी का भविष्य कैसा होने वाला है? देखिए, यूपी का भविष्य आपने देखा है, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ,
बल्कि इन छः वर्षों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है। और तीन पहलू होते हैं, एक होता है आर्थिक, दूसरा होता है राजनीतिक और तीसरा होता है सामाजिक। इन तीन जो स्तंभ हैं इसमें समांतर तौर पे चुनाव छोटा हो या बड़ा, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को पूरी गंभीरता से और पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है। और आप देखिएगा पूर्व की भांति एक तरफा प्रदेश की जनता का समर्थन और सभी निकायों पे कमल का फूल खिले। लेकिन अभी विपक्ष के लोग फिर सवाल करने लगे हैं इस आरक्षण के बाद। उनका सवाल क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर जनता जरूर जवाब देगी। इस चुनाव में आप देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष का। सर आप अगर बात करें तो राहुल गांधी बैकफुट पर आए, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रियंका का जादू यूपी में या कहीं पर काम आ पाएगा? तो जनता बताएगी, आपने देख लिया पूर्व परिणाम क्या रहे, कौन सा जादू चला, कितना चला। ये मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि ये जो चुनाव लोकसभा का होने वाला है, प्रधानमंत्री जी के जो 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, ये स्वर्णिम इतिहास भारत का जो लोगों ने महसूस किया है, विकास से लेकर सभी सामाजिक परिवर्तन जो आया है, इसको आप देखिएगा 400 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनके संकल्प का पूरा आशीर्वाद देश जनता देगी। धन्यवाद।